राहिल कार्सन पूरी तरह से राहिल लुईस कार्सन, जन्म 27 मई 1907, स्प्रिंगडेल, पेंसिल्वेनिया, यूएस। मृत्यु 14 अप्रैल 1964, सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड, अमेरिकी जीव विज्ञानी पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक इतिहास पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बच्चे की दुनिया ताजा और नई और सुंदर होती है, आश्चर्य और उत्साह से भरी होती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम में से अधिकांश के लिए वह स्पष्ट दृष्टि जो सुंदर और विस्मयकारी है उसके लिए सच्ची प्रवृत्ति मंद हो जाती है और वयस्कता तक पहुंचने से पहले ही खो जाती है। अगर मैं उस अच्छी परी से प्रभावित होता जिसे सभी बच्चों के नामकरण की अध्यक्षता करनी होती है, तो मुझे पूछना चाहिए कि दुनिया के प्रत्येक बच्चे को उसका उपहार आश्चर्य की भावना है, इतना अविनाशी कि यह जीवन भर रहेगा एक अचूक मारक के रूप में बाद के वर्षों की ऊब और मोहभंग के खिलाफ हमारी ताकत के स्रोतों से अलगाव। हम अब वहां खड़े हैं जहां दो सड़कें मिलती हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की परिचित कविता में सड़कों के विपरीत वे समान रूप से निष्पक्ष नहीं हैं। जिस सड़क पर हम लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं वह भ्रामक रूप से आसान है, एक चिकनी सुपर हाईवे जिस पर हम बड़ी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके अंत में आपदा है। सड़क का दूसरा कांटा जिस पर कम यात्रा की जाती है हमारे अंतिम हमारे गंतव्य तक पहुंचने का एकमात्र मौका प्रदान करता है, जो पृथ्वी के संरक्षण का आश्वासन देता है। हवाएं, समुद्र और चलती ज्वार वे क्या हैं? अगर उनमें आश्चर्य और सुंदरता और भव्यता है तो विज्ञान इन गुणों की खोज करेगा। अगर मेरी किताब में समुद्र के बारे में कविता है तो इसलिए नहीं कि मैंने इसे जानबूझकर वहां रखा है, बल्कि इसलिए कि कोई भी समुद्र के बारे में सच नहीं लिख सका और शायरी छोड़ो। जितना अधिक स्पष्ट रूप से हम अपने बारे में ब्रह्मांड के चमत्कारों और वास्तविकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, हमारी जाति के विनाश के लिए हमारे पास उतना ही कम स्वाद होगा। आश्चर्य और विनम्रता स्वस्थ भावनाएं हैं और वे विनाश की वासना के साथ साथ मौजूद नहीं है। समुद्र के किनारे पर खड़े होने के लिए, ज्वार के उतार और प्रवाह को महसूस करने के लिए, एक धुंध की सांस को महसूस करने के लिए, एक बड़ा नमक दलदल, हजारों सालों से महाद्वीपों की सर्फ लाइनों को ऊपर और नीचे बहने वाले किनारे के पक्षियों की उड़ान देखने के लिए, पुरानी ईल और युवा छाया को समुद्र में दौड़ते हुए देखने के लिए, ज्ञान होना है उन चीजों के बारे में जो किसी भी सांसारिक जीवन के रूप में लगभग शाश्वत हैं। जब तक हमारे पास क्रूरता को पहचानने का साहस नहीं है कि वह क्या है, चाहे उसका शिकार इंसान हो या जानवर, हम इस दुनिया में चीजों के बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम मनुष्यों के बीच शांति नहीं रख सकते जिनका हृदय किसी भी जीवित प्राणी को मारने में आनंदित होता है। हत्या में ऐसे मूर्खतापूर्ण आनंद को महिमामंडित करने वाले या यहां तक सहन करने वाले हर कृत्य से हम मानवता की प्रगति को पीछे कर देते हैं। जो लोग पृथ्वी की सुंदरता पर विचार करते हैं उन्हें शक्ति का भंडार मिलता है जो जीवन के अंत तक बना रहेगा। प्रकृति के बार बार मना करने में कुछ असीम उपचार है। यह आश्वासन की सुबह रात के बाद आती है और वसंत सर्दियों के बाद आता है। सर्दी बुद्धिमान प्राणी कुछ अवांछित प्रजातियों को एक ऐसे तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं जो पूरे पर्यावरण को दूषित कर देता है और बीमारी और मौत के खतरे को अपनी तरह का बना देता है। गुफा आदमी के क्लब के रूप में, एक कच्चे हथियार के रूप में, रासायनिक बैराज को जीवन के ताने बाने के खिलाफ फेंक दिया गया है। एक कपड़ा एक और नाजुक और विनाशकारी है, दूसरी और चमत्कारिक रूप से सख्त और लचीला है और अप्रत्याशित तरीकों से वापस आने में सक्षम है। जीवन की इन असाधारण क्षमताओं को रासायनिक नियंत्रण के चिकित्सकों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है, जिन्होंने अपने काम में कोई उच्च दिमाग वाला उन्मुखीकरण नहीं लाया है, जिसके साथ वे छेड़छाड़ करने वाली विशाल ताकतों के सामने कोई विनम्रता नहीं रखते हैं। यह उद्योग के वर्चस्व वाला युग भी है जिसमें किसी भी कीमत पर एक डॉलर बनाने के अधिकार को शायद ही कभी चुनौती दी जाती है। मुड़ा हुआ कली वसंत के लिए तैयार है। प्रकृति के बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों में असीम उपचार है। यह आश्वासन की सुबह रात के बाद आती है और वसंत सर्दियों के बाद आता है। कीट नियंत्रकों द्वारा गणना किए जाने वाले जोखिमों को मानने के लिए कहा जा रहा है। जनता को यह तय करना होगा कि क्या वह वर्तमान सड़क पर जारी रहना चाहती है, और वह ऐसा तभी कर सकती है जब तथ्यों के पूर्ण कब्जे में हो। यदि एक बच्चे को अपने जनजात को जीवित रखना है, परियों से ऐसे किसी उपहार के बिना आश्चर्य की भावना, उसे कम से कम एक वयस्क के साहचर्य की आवश्यकता है जो इसे साझा कर सके, उसके साथ उस दुनिया के आनंद, उत्साह और रहस्य को फिर से खोज सके जिसमें हम रहते हैं। आखिरकार मनुष्य को भी अपना रास्ता मिल गया वापस समुद्र में। इसके किनारों पर खड़े होकर उसने आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ इसे देखा होगा, अपने वंश की एक बेहोश पहचान के साथ जटिल हो गया होगा। वह शारीरिक रूप से समुद्र में फिर से प्रवेश नहीं कर सकता था जैसा कि मुहरों और वेल ने किया था, लेकिन ऊपर प्रतिशत अपने दिमाग के सभी कौशल और सरलता और तर्क शक्ति के साथ उन्होंने इसके सबसे दूरस्थ हिस्सों का भी पता लगाने और जांच करने की मांग की है।
ताकि वह इसे मानसिक और कल्पनाशील रूप से फिर से दर्ज कर सकें। एक नागरिक या तो निजी व्यक्तियों या सरकारी अधिकारियों द्वारा वितरित घातक जहर के खिलाफ सुरक्षित होगा। यह निश्चित रूप से केवल इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज उनकी काफी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के बावजूद ऐसी किसी समस्या की कल्पना नहीं कर सकते थे। जो सुंदरियों और रहस्यों के बीच रहते हैं, पृथ्वी कभी भी अकेली या जीवन से थकी हुई नहीं है। क्या हम एक मंत्रमुग्ध अवस्था में गिर गए हैं जो हमें अपरिहार्य के रूप में स्वीकार करता है, जो हीन या हानिकारक है, जैसे कि इच्छा या दृष्टि को खो दिया है जो कि अच्छा है। हम सकल और तत्काल प्रभावों को देखने और अन्य सभी को अनदेखा करने के आदि हैं। जब तक यह तत्काल और इतने स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं होता है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, हम खतरे के अस्तित्व से इनकार करते हैं। यहां तक शोध करने वाले भी अपर्याप्त तरीकों की बाधा से ग्रस्त हैं। चोट की शुरुआत का पता लगाने का, लक्षणों के प्रकट होने से पहले चोट का पता लगाने के लिए पर्याप्त नाजुक तरीकों की कमी चिकित्सा में बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महसूस करना। हम में से अधिकांश के लिए ज्ञान हमारी दुनिया काफी हद तक दृष्टि के माध्यम से आती है, फिर भी हम ऐसी अनदेखी आंखों से देखते हैं कि हम आंशिक रूप से अंधे हैं। अनजान सुंदरता के लिए अपनी आंखें खोलने का एक तरीका खुद से पूछना है, क्या होगा अगर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है? क्या होता यदि मुझे पता होता कि मैं इसे फिर कभी नहीं देख पाता? और ब्रह्मांड की वास्तविकताओं विनाश के लिए हमारे पास उतना ही कम स्वाद होगा। एक जीवित प्राणी के लिए इस तरह की पीड़ा का कारण बनने वाले कार्य में शामिल होने से हम में से कौन कम नहीं होता है, या जीवित प्राणी का उसके पर्यावरण से संबंध, पारिस्थितिक संबंधों के बारे में जागरूकता आधुनिक संरक्षण कार्यक्रमों का आधार है या होना चाहिए, क्योंकि जीवित प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास तब तक बेकार है जब तक कि इसके लिए आवश्यक भूमि या पानी भी संरक्षित न हो। रिश्ते इतने नाजुक ढंग से आपस में जुड़े हुए हैं कि जब हम सामुदायिक ताने बाने के एक धागे को तोड़ते हैं तो हम इसे पूरी तरह से बदल देते हैं, शायद लगभग अगोचर रूप से, शायद इतनी तेजी से कि विनाश हो जाता है। जैविक विज्ञान पर निबंध अच्छी पढ़ाई 1958 में, जीवन हमारी समझ से परे एक चमत्कार है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए, यहाँ तक जहाँ हमें इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूँ कि बच्चे के लिए और इसके लिए माता पिता उसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, यह जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महसूस करना। यदि तथ्य बीज हैं जो बाद में ज्ञान और ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तो भावनाओं और इंद्रियों के संस्कार उपजाऊ मिट्टी हैं जिसमें बीजों को बढ़ना चाहिए। प्रारंभिक बचपन के वर्ष मिट्टी तैयार करने का समय होता है। एक बार जब भावनाएं जागृत हो जाती हैं, सुंदर की भावना, नए और अज्ञात की उत्तेजना, सहानुभूति, दया, प्रशंसा या प्रेम की भावना, तब हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया की वस्तु के बारे में ज्ञान की कामना करते हैं। एक बार मिल जाने के बाद इसका स्थायी अर्थ होता है। बच्चे को उन तथ्यों के आहार पर रखने के बजाय जो वह आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना अधिक महत्वपूर्ण है।